हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए संसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2019-20 शैक्षिक सन के स्टेटस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर यूपी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पर फॉर्म में उनका जो इनरोलमेंट नंबर है वो मैच नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड किए गए डाटा से। यानी कि जो भी आपका बोर्ड होता है उसके द्वारा आपका जो डाटा अपलोड किया जाता है, उस डेटा से आपका जो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर है वो मैच नहीं हो पा रहा। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हम इसे अपने आप से ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों, यदि आपने धोखे से कोई अपना इनरोलमेंट नंबर गलत फिल कर दिया है तो वो तो आपको ठीक ही करना होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही सही फिल किया है, बिल्कुल करेक्ट फिल किया है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के साथ भी ये जो प्रॉब्लम है ये लगातार आ रही, जिससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसे देखते हुए यहाँ पर समाज कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया गया है, और यहाँ पर जो डीएलएड संयुक्त पिशु मोर्चा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने समाज कल्याण विभाग को इसके लिए एक लेटर भी जारी किया है, लेटर लिखा है और इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है उस लेटर में। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 26 नवंबर 2019 यानी कि 26 नवंबर को कल ये लेटर लिखा गया है, और इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेवा में समाज कल्याण विभाग लखनऊ सचिव उत्तर प्रदेश, प्रकरण डीएलएड 2017 बैच की द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति सस्पेक्ट करने के प्रकरण में। यानी कि आपके जो फॉर्म है डीएलएड के स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पर सस्पेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट नंबर की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, महोदय आपको अवगत कराना है कि डीएलएड 2017 बैच का छात्रवृत्ति फॉर्म में डेटा और इनरोलमेंट नॉट मैच जैसी कुछ समस्याओं के कारण प्रशिक्षु का जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट कर दिया जा रहा है, जिसके उपरांत परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को भी इसके बारे में अवगत कराया गया, जहां से पता चला कि अगर डाटा संबंधित फॉर्म सस्पेक्ट हो रहा है तो समाज कल्याण विभाग जरूर लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराए। इसलिए महोदय, सस्पेक्ट हो रहे छात्रवृत्ति फॉर्म से को आप अपने संज्ञान में लेने की कृपा करें, जिससे प्रशिक्षु छात्रवृत्ति से वंचित ना हो पाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, समस्त डीएलएड प्रशिक्षु डीएलएड 2017 बैच। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये डीएलएड के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के सामने आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपकी ये जो समस्या है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने धोखे से यदि गलत नंबर फिल कर दिया है, तो इन स्टूडेंट्स को अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो सही फिल करना होगा। यदि आपने अपना इनरोलमेंट नंबर सही फिल किया, तब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ये जो समस्या है इससे निजात मिलने वाली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो छात्रवृत्ति से संबंधित और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।